Hey guys, Assalamu Alaikum, Bismillah Rahman Rahim, it's me Samira, welcome back to my channel. आज मैं चिकन फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ, तो मैंने 1 kg चिकन लिया है और उसी से मैं बनाऊँगी. और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स का है वो कांदे की भाजी लिया हुआ है और उसको मैंने वॉश करके कट कर दी गई है. उसके बाद मेरे के इंग्रेडिएंट्स हैं वो शिमला मिर्च मैंने कट करके रखा हुआ है. और उसके बाद जो है वो प्याज है, प्याज मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं लिया है. जो कांदे की भाजी के पास जो कांदा होता है उसी को मैंने कट करके रख दिया है और वही मैं उसी में डाल दूँगी. ओके, और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स है मैं यहाँ पसारा नहीं करना चाहती थी, तो मैंने सोचा जब डालूँगी तभी आपको बता दूँगी. ओके, प्लीज़ जो बैक साउंड है वो इग्नोर करें, बाहर काम चल रहा है तो काफ़ी नॉइज़ है यहाँ. तो गाइस, ये मैंने राइस लिया है और ये राइस को चाइनीज़ राइस बोलते हैं और ये आसानी से शॉप में, ग्रॉसरी शॉप में मिल जाते हैं. ये इस तरीके के हैं. अब मैं इसे वॉश करने के लिए रख दूँगी. तो गाइस, मैं अब इसमें मसाले डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे फ्राई करना है. तो सबसे पहले मैं डालूँगी वो है हरा मसाला और ये मेरा फ्रेश घर का बना हुआ ही हरा मसाला है और मैंने इसको 2 teaspoon डाल दिया है. अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है जो मैं डालूँगी वो तीखा कराई मसाला है और ये मेहरान का है. और अब मैं इसमें जो डालने वाली हूँ वो 2 teaspoon होगा, आप अपने अकॉर्डिंग डालें, पर 2 teaspoon मैंने डाल दिया है इसमें. और उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में नमक डालूँगी, नमक एज पर टेस्ट आप डालिए. मैंने 1/2 teaspoon डाल दिया था और थोड़ा सा चुटकी भर डाल दिया. अब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालने वाली हूँ. काली मिर्च पाउडर भी आप 1 teaspoon लगभग डाल दीजिए. अब मैं इसमें कलर डालूँगी थोड़ा सा, ये कलर है. और अब हमें इसे मिक्स करना है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो डाले हुए हैं उसे मिक्स करना है. तो गाइस, मैंने ये चिकन को फ्राई करके निकाल दिया है और अब इसमें क्यूब्स में मैं काटने वाली हूँ. कुछ लोग क्या कहते हैं, पहले से ही क्यूब्स में कट करके फ्राई करते हैं, पर मैंने पहले फ्राई किया है. मैं इसको क्यूब्स में काट दूँगी और उसके बाद ये चावल जो मैंने 1.5 kg लिए थे वो मेरे बनके हो चुके हैं, ये पक चुके. उसके बाद मैंने क्या किया था, 4 eggs लिए हैं, उसको अच्छे से अंडे को फेंट दिया है और उसमें काले मिर्च डालकर मैंने उसे अच्छे से फेंट दिया है. तो गाइस, आप देख सकते हैं चिकन को इस तरीके से हमें चॉप करना है, हमें इसी तरीके का चॉप चाहिए. तो इस तरीके से हमें चॉप करते रहना है चिकन को. तो गाइस, मैंने चिकन को इस तरीके से चॉप कर दिया है और हमें ऐसा ही चॉप चाहिए. प्लीज़ इग्नोर द बैक साउंड, बाहर शोर बहुत है क्योंकि काम चालू है बाहर, तो प्लीज़ इग्नोर. तो चिकन को इसी तरीके से मुझे चॉप करना था और मैंने ये चिकन को चॉप कर दिया है. तो गाइस, मैंने इसमें तेल डाल दिया है और मैंने ये देखा जैसा बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि चावल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है. आई मीन 1.5 kg यानी 1.5 kilo मैंने चावल लिए हैं जो मैंने आपको जब भी बताए थे वो बॉईल कर रख दिए थे, तो इसीलिए मैंने ये देखा जैसा तपेला ले लिया है और उसमें तेल गरम करने रख दिया है. अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे जो है कि अंडा, जो मैंने बताया था आपको, अंडे को मैंने 4 अंडे दिए थे और उसको अच्छे से फेंट दिए थे उसमें काली मिर्च पाउडर डाल के. अब हम इसे इस तरीके से स्टर करते रहेंगे. ये आप देख सकते हैं, हमें इसी करते रहना है अंडे को.
मैंने जो ये एग जो स्क्रैम्बल कर दिया है और रख दिया है, जो मैंने फ्राई कर दिए थे वो इसी तरीके से स्क्रैम्बल करके रख दिए हैं। तेल डाल दिया है और ये तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालने वाली हूँ। अदरक लहसुन जो पेस्ट है हम 3 टीस्पून ले रहे हैं और हमें इसे स्टर करना है। इस तरीके से हमें इसे स्टर करना है, हमें इस तरीके से स्टर करते रहना है। अदरक लहसुन जो पेस्ट है उसकी जो खुशबू रहती है, महक रहती है, वो जानी चाहिए। तो हमें ऐसे स्टर करते रहने हैं, मसाले को जैसे भूनते रहते वैसे भूनते रहना है। ये आप देख सकते हैं, हमें इस तरीके से भूनते रहना है। गाइस, अब नेक्स्ट डालेंगे हम उसमें वेजी, सब डालने वाले हैं। ऑनियन ऐड करेंगे हम, और ये ऑनियन मैंने बताया था तो कांदे की भाजी का जो ऑनियन होता है मैंने वही ऑनियन कट किया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा ऑनियन नहीं लिया हुआ था, वही ऑनियन लिया हुआ है। इसको हम स्टर करेंगे इसी में, आप देख सकते हैं। वाओ, अभी से इतनी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे जो मैंने कट की हुई थी, वो सारी शिमला मिर्च अब मैं इसमें डाल लूँगी इस तरीके से। शिमला मिर्च डालना है हमें, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कांदे की भाजी डालेंगे और स्टर करते रहेंगे। इसी तरीके से हमें स्टर करते रहना है, करते रहना है, ये दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और इस तरीके से स्टर करते रहना है। गाइस, हमें स्टर करते रहना है, करते रहना है। मैंने कुछ शिमला ये कांदे की जो भाजी थी ना वो मैंने साइड में निकाल के रख दिया है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे इसमें लास्ट में भी डालना है थोड़ी सी, इसलिए मैंने थोड़ी सी निकाल के रख दी है। अब हम इसमें चिकन जो फ्राई था वो मैं डाल दूँगी इसमें, और मैंने ये सब डाल दिए हैं और उसको स्टर करनी है अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमें स्टर करते रहना है। इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसमें डालूंगी वो डार्क सोया सॉस है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया हुआ है और इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं रेड चिली सॉस लेने वाली हूँ, और वो भी 1 टेबल स्पून लेने वाली हूँ रेड चिली सॉस। ये रेड चिली सॉस है जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और वो उसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम ये स्टर करते रहेंगे। अब हम इसमें शेजवान चटनी 3 टीस्पून ऐड कर लेंगे और उसे स्टर कर देंगे, और इसमें हम विनेगर भी ऐड करेंगे। विनेगर हम 1 टीस्पून ले लेंगे। वाओ, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये चाइनीज़ के जो खाने होते हैं ना वो बात ही कुछ अलग होती है, और डिशेज़ जो हमारे बनते हैं वो डिशेज़ अलग तरीके की बनती है। इस तरीके इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे यानी काले मिर्च पाउडर, और वो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। उसके बाद जो है हम नमक डालेंगे। नमक हमें जो टेस्ट है हमारा उतना ही लेना है जितना आप बनाने वाले हो, एज पर टेस्ट अपने को लेना है। मैंने 2 टीस्पून डाल दिया है। इसको अच्छे से अब हम हिला देंगे, और अभी इसके बाद क्या है, जो मैंने बॉईल किया हुआ राइस जो बताया है आपको पका हुआ, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और हिला दूँगी। तो इससे क्या होगा, हमारा फ्राइड राइस जो रहेगा वो बनके तैयार हो जाएगा। गाइस, जो बॉइल्ड चावल थे
तो मैंने इस मसाले में मिक्स कर दिया है और हमें इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे ही स्टर करना है। और लास्ट इसमें जो मैंने अंडा फेटा हुआ था वो अंडा मैं डाल दूँगी इसमें। ओके, और इसको थोड़े से जो बची हुई मैंने बताई थी आपको कांदी की भाजी जो थी वो मैं ऊपर से डाल दी हूँ और उसे स्टर करना। तो ये हमारी चिकन फ्राइड राइस रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो शेज़वान फ्राइड राइस रेसिपी जो है चिकन की, ये बनके तैयार हो चुकी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ये ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही डिलीशियस बनी है, क्या खुशबू है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।